दोस्तों, आज शाम को एक शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिली जिससे बहुत सारे गेमर्स का दिल टूट सकता है। जो है कि पबजी फाइनली इंडिया में बैन हो चुका है। इसके साथ 118 और चाइनीज़ ऐप्स भी बैन हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कि पबजी भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक अच्छा डिसीजन भी है इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि तो इससे हमारा डेटा लीक्स होने के बहुत चांसेस थे और हमारी सिक्योरिटी को भी खतरा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या रीज़न देकर पबजी को बैन किया है, और इसके साथ और भी जो अदर्स ऐप्स हैं उनकी पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ, और मैं जो मेन मेन हाईलाइटेड ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए नोटिस के ऊपर। ये जो ऐप्स बैन हुए हैं वो सेक्शन 69A के तहत बैन किए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि ये जो ऐप्स हैं वो इंडिया की सॉवरिटी और इंटीग्रिटी को इफेक्ट करते हैं, साथ में डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा हो सकते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को बैन किया है। तो अब धीरे धीरे ये सारे ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा, और जिनके मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड है उनके मोबाइल में ये धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देगा। बहुत सारे ऐसे ऐप्स बैन हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे इंडिया में। उनमें सबसे मेन था पबजी, और साथ ही बहुत सारे जो फोटो एडिटिंग ऐप्स है और साथ ही कुछ कुछ छोटे मोटे गेम्स हैं वो भी पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं, जिनसे लगता था गवर्नमेंट को तो ये हमारे देश के लिए खतरा हो सकते हैं। तो चलिए अब नज़र डालते हैं इन ऐप्स के लिस्ट पर। सबसे पहले जो ऐप्स के बहुत सारे ऐप्स थे उनको बैन किया गया है, साथ में बैडू जो ब्राउज़र था उसके साथ साथ उसके और भी कुछ सब्सिडरी थे उन सबको बैन किया गया है। साथ में कैम स्कैनर के अदर जो वैसी ऐप्स थे, कैम कार्ड, ये सब भी बैन कर दिया गया है। उसके बाद क्लीन मास्टर को बैन किया गया था, उसका एक और वर्जन था वो भी फाइनली बैन हो गया है। टेंशन का भी एक और ऐप था वो भी बैन हो चुका है। उसके बाद जो देखा जाए सबसे बड़ा हाईलाइटेड है वो पबजी है, उसके बाद चेस और लूडो को भी बैन कर दिया गया है। तो लूडो भी बहुत सा खासा पॉपुलर हुआ था अभी हाल ही में लॉकडाउन में। और जो एक बड़ा ऐप था गैलरी वॉल्ट, जो बहुत सारे यूज़र थे इसके, जिसमें आप फोटोज़ और वीडियोस को हाइड करके रख सकते थे, वो भी बैन हो चुका है। तो ये एक मेज़र कुछ ऐप्स थे। आगे की लिस्ट देखते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि ऐप लॉक वाले बहुत सारे एप्लीकेशन हैं वो सारे बैन हो चुके हैं, और साथ में ड्यूअल स्पेस वाला भी एक ऐप था वो भी बैन हो चुका है। बहुत सारे म्यूज़िक प्लेयर्स थे वो भी बैन हो चुके हैं, वीडियो प्लेयर्स, फोटो एडिटर, फोटो गैलरी, ऐसे बहुत सारे जो ऐप्स थे। साथ में जो ब्यूटी कैम यूज़ करते थे उन लोग के लिए भी एक बुरी खबर कि ऐसे ही बहुत सारे जो ऐप्स थे वो सब भी बैन हो चुके हैं। और इसमें एक और भी बड़ा नाम है जो है यू डिक्शनरी, जो खासा पॉपुलर था इंडिया में, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते थे, वो भी फाइनली बैन हो चुका है। दोस्तों, तो ये रही पूरी लिस्ट जो गवर्नमेंट ने बैन किए हैं। टोटल 118 ऐप्स हैं जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। ये एक ऑफिशियल नोटिस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन कौन से ऐप्स यूज़ करते थे आप हमें बता सकते हैं? और पबजी जो बैन हुआ उसके उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मेरे को लगता है कि पबजी उतने ज़्यादा डेटा यूज़ नहीं करता था, लेकिन फिर भी अगर हमारे गवर्नमेंट का डिसीजन है तो हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए और हमारे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इस डिसीजन में। तो दोस्तों, आपकी क्या राय गवर्नमेंट के इस बड़े डिसीजन के ऊपर आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो पबजी लवर थे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो। Then have a great day and always keep smiling.